हेलो नमस्ते, की हाल चाल, सत श्री अकाल। चलिए करते हैं वीडियो के बारे में सीधी बात। बिना किसी क्रॉस बजाज 5 जुलाई को अपनी सीएनजी मोटर बाइक को लॉन्च कर सकते हैं। फिलहाल कंपनी ने इसका नाम ब्रेजर रखा है, पर मुझे लगता है जब ये लॉन्च होगी इसका नाम कुछ और होगा। ये मोटर बाइक 110 सीसी से लेकर 150 सीसी के बीच में रह सकती है। इस सीएनजी मोटर बाइक की जो रनिंग कॉस्ट है वो पेट्रोल मोटर बाइक के मुकाबले 65% तक कम रह सकती है। इसमें डबल क्रैडल फ्रेम होगा जिसमें सीएनजी टैंक फिटेड होगा। एक छोटा सा पेट्रोल टैंक भी मिल सकता है। इसके अलावा इसमें राउंड हेडलैम्प्स होंगे, फ्रंट में डिस्क ब्रेक होगी। इसमें स्लोपर इंजन या बोल तो लेटा हुआ इंजन होगा, वो भी इसीलिए ताकि सीएनजी टैंक की जगह बन सके। जहाँ तक सिर्फ मेरा अंदाज़ा है पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए, जब ये मोटर बाइक लॉन्च होगी तो देखना इसमें आग लगने के कुछ इंसिडेंट सामने आएंगे। वो इंसिडेंट नेचुरली होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मोटर बाइक अनसेफ होगी, सेफ होगी, कंपनी ने सेफ बनाएंगे। कुछ कंपनी जिन्हें ये बात पचेगी नहीं कि बजाज ने एक सीएनजी मोटर बाइक बना दी है, वो इंटेंशनली इसमें आग लगवाएंगे। जिस तरह कि आपने देखा था कि टाटा नेक्सॉन जब लॉन्च हुई थी तो इसमें कितना ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस आ रहे थे कि भाई इसमें पुअर हैंडलिंग है, गाड़ी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ताकि गाड़ी को बदनाम किया जा सके। इसी तरह इस सीएनजी मोटर बाइक को भी बदनाम किया जाएगा जानबूझ के आग लगवा के। वरना देख लो, सीएनजी कार्स भी हैं, थ्री व्हीलर्स भी हैं, उनमें आग नहीं लगती, बहुत रेयर चांस है कभी हो जाए। और जो सीएनजी गाड़ियां होती हैं उनमें भी जो आफ्टर मार्केट सीएनजी किट्स होती हैं उनमें लगती है आग, कंपनी फिटेड में नहीं लगती। तो बजाज को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सीएनजी वाले थ्री व्हीलर बनाने का, तो वो मोटर बाइक भी बना सकते हैं और ये सेफ भी होगी। अगर इसमें आग का चांस आता है तो वो इंटेंशनली आग लगाई जाएगी ताकि गाड़ी को बदनाम किया जा सके। और वो कौन सी कंपनी होगी आप समझ जाओ, एच नाम से वो कंपनी होगी। अगर 125 सीसी में लॉन्च हुई तो एच नाम से होगी, 100 सीसी में तो होने से रही। ठीक है, तो बस कुछ अभी वीडियो में, वीडियो से लाइक, चैनल सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर करें। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।